अगर आप लोग एक लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो कि होगा वीडियो या फिर फोटो एडिटिंग पर्पस या फिर गेमिंग पर्पस के लिए या फिर किसी और हैवी यूजेज के लिए, तो आप आए हैं एकदम सही जगह पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लैपटॉप्स जो कि आएंगे आपको अंडर ₹80,000। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन तो हम बात करेंगे ही, बट साथ में कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात भी करेंगे, जिससे हो सकता है कि आपका एक पर्टिकुलर लैपटॉप को बाय करने का रीजन बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। तो चलिए गाइस सीधा स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहला लैपटॉप है डेल इंस्पिरियन G15। तो गाइज हम प्राइस हाई टू लो जाने वाले हैं इस लैपटॉप की लिस्ट में। डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा, 15.6 इंच का डिस्प्ले है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आएगा विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। नेक्स्ट प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिलने वाला है, 10th जेन प्रोसेसर है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है आपके सामने एंड ऑल्सो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हुई है नीचे, जैसे कि 4 कोर्स है, 8 थ्रेड्स है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक स्पीड है एंड मैक्स बूस्ट स्पीड है 4.1 गीगाहर्ट्ज की। ये इन्फॉर्मेशन आपको हर एक लैपटॉप के प्रोसेसर मिल जाएगी। जीपीयू जो मिलता है यहाँ पे वो GTX 1650 है जो कि 4GB रैम के साथ आता है एंड ये GDDR6 है। इस लिस्ट के सारे लैपटॉप्स में आपको यही ग्राफिक्स प्रोसेसर मिलने वाला है। रैम में आपको यहाँ पे 2x8GB रैम मिलने वाले जिसकी स्पीड होगी 2933 MHz। स्टोरेज मिलने वाली आपको 512GB की M.2 PCI NVMe SSD एंड आपको 56 Wh की बैटरी मिलने वाली यहाँ पे। अब जल्दी से हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैक्सिमम मेमोरी जो सपोर्टेड है वो 32GB की मेमोरी है। अब ये एडवांटेज क्यों है, क्योंकि आगे काफी लैपटॉप्स में आपको सिर्फ 16GB तक की मेमोरी मैक्स सपोर्टेड आएगी। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है एंड इसका जो बैकलिट है वो ऑरेंज बैकलिट कीबोर्ड है। इस लैपटॉप का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है एंड इसमें हमें अभी तक कोई भी डिसएडवांटेजेस देखने को नहीं मिले हैं। गाइस नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज द ओमन बाय HP। इसका डिस्प्ले भी फुल HD है, आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 60Hz का रिफ्रेश रेट है हालांकि यहाँ पर एंड 250 निट्स तक की ब्राइटनेस है। सीपीयू की बात करें तो यहाँ पे आपको Ryzen 5 मिलता है, 4600H है, इसकी डिटेल्स नीचे ही है। ग्राफिक्स कार्ड जैसा कि आपको बताया था GTX 1650 ही मिलेगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है, हालांकि मेमोरी साइज कम है जो कि 8GB है, बट जो स्पीड है वो 3200 है। स्टोरेज में आपको 512GB ऑफ PCIe NVMe M.2 SSD मिलता है एंड जो बैटरी है वो 52.5 Wh की है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें आपको DTX X Ultra की टेक्नोलॉजी आती है एंड ऑल्सो इसमें बैंग एंड ऑल्सन का ऑडियो टेक्नोलॉजी है। डिसएडवांटेज में हम यही बोलेंगे यहाँ पे मैक्स मेमोरी जो आपको सपोर्टेड है वो ओनली 16GB की है। इस लैपटॉप का जो कूलिंग सिस्टम है वो ओमन टेम्पेस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी है एंड वो काफी ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज द लेनोवो लीजन 5। डिस्प्ले आपको फुल HD मिलता है, 15.6 इंच का डिस्प्ले है एंड 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट आता है विद 250 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। प्रोसेसर है यहाँ पे AMD Ryzen 5 4600H। नेक्स्ट सेम GPU मिलता है यहाँ पर भी जो कि 1650 है। रैम जो है 8GB रैम है, DDR4 है, सेम स्पीड आएगी एज द प्रीवियस वन 3200। स्टोरेज एंड बैटरी की बात करें, 1TB का आपको हार्ड डिस्क ड्राइव मिलने वाला एंड 256GB का SSD भी मिल रही है साथ में एंड ऑल्सो 6.8 आवर्स तक की आपको एवरेज बैटरी लाइफ मिलती है यहाँ पे। टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस लैपटॉप, यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है जो कि किसी लैपटॉप में नहीं मिलता है एंड इसका जो बॉडी है वो एंटी ऑयल एंड हाई एब्रेशन पॉलीमर ब्लेंड से बनी है। बैकलिट की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइट बैकलिट मिलती है कीबोर्ड में। डिसएडवांटेज में वही है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मेमोरी 16GB की सपोर्टेड है एंड हार्ड डिस्क की स्पीड है 5400 RPM जो कि मिनिमम आपको आजकल 7200 चाहिए ही होती है। Now guys we move towards our second last laptop which is Asus ROG Strix G15. In display we get a full HD display with 15.6 inch display and iska jo refresh rate hai wo sabse zyada hai hamari pure list mein jo ki 144Hz hai. प्रोसेसर में यहाँ पे आपको मिलेगा इंटेल कोर i5 10th जेन प्रोसेसर है, इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको सारी। जीपीयू एज ऑलवेज सेम 1650 मिलने वाला है। मेमोरी की बात करें यहाँ पे आपको मिलेगी 8GB ऑफ रैम जो कि DDR4 है एंड 3200 MHz उसकी स्पीड है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज एंड द बैटरी, यू गेट 1TB ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव। यस इट्स अ 1TB SSD जो कि आपको किसी और लैपटॉप में नहीं मिल रही है इस लिस्ट में एंड आपको 45 Wh का बैटरी भी मिल रहा है यहाँ पे। नाउ एडवांटेज ऑफ दिस लैपटॉप इज यहाँ पे आपको माउस मिलने वाला इस लैपटॉप के साथ जो कि एक माउस पैड के साथ आएगा। इस लैपटॉप में आपको Wi-Fi 6 की अवेलेबिलिटी है एंड यहाँ पे आपको RGB कीबोर्ड भी देखने को मिलेगा इस लैपटॉप में। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि आपको वेबकैम नहीं मिलने वाला इस लैपटॉप में जो कि बाकी सारे लैपटॉप में नॉर्मली आपको आता ही है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट लैपटॉप व्हिच इज द Acer Nitro 5। इट हैज अ फुल HD डिस्प्ले
एंड 15.6 इंच डिस्प्ले साइज। इस लैपटॉप आपको 60 हर्ट्ज तक का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। सीपीयू जो है यहाँ पे इंटेल कोर i5 है, 9th जेन प्रोसेसर है। नेक्स्ट जीपीयू वी हैव 1650। टॉकिंग अबाउट द रैम, वी हैव 8GB ऑफ DDR4 रैम विच हैज अ स्पीड ऑफ 2400 MHz। टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज एंड द बैटरी, वी हैव 1TB ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव विच हैज अ स्पीड ऑफ 7200 RPM एंड अ 55 Wh ऑफ बैटरी। लास्टली इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस लैपटॉप, इट हैज मैक्सिमम मेमोरी सपोर्टेड which is 32GB, which is a advantage, and 7200 RPM hard disk drive speed, which I have already said earlier, it is also an advantage of this laptop. And lastly, we also have Waves Max audio technology in this laptop. अगर disadvantages की बात करें तो इस laptop में हमें कोई भी issues नहीं मिले हैं। So guys, ये थे हमारे top 5 laptops list में। अगर आपको कोई भी doubts है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव अ थम्स अप। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।